हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम जा रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल छप्पर श्री, इसको फतेह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये सेक्टर 91 साहिबजादा अजीत सिंह नगर में पड़ता है। इसके सबसे नज़दीक बस स्टैंड चंडीगढ़ और अजीतगढ़ के हैं और सबसे नज़दीक हवाई अड्डा चंडीगढ़ और अजीतगढ़ का ही पड़ता है। ये सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और सोमवार और राष्ट्रीय छुट्टी वाले दिन ये बंद रहता है। फतेह बुर्ज के पास 500 मीटर के लगभग रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर आप खरन लांडरा रोड की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। आप गूगल मैप्स का उपयोग कर इस स्थान पर आराम से पहुँच सकते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जंगी यादगार कॉम्प्लेक्स छप्परछिड़ी, जो कि 20 एकड़ जगह में फैला हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे फतेह बुर्ज, बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके 5 जनरलों के स्टैचू, ओपन एयर थिएटर, वाटर बॉडी, लश्किन पार्क, कंटीन, इंफॉर्मेशन सेंटर। इस इंफॉर्मेशन सेंटर पे आपको इस ऐतिहासिक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया करवाई जाएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए आएँ तो अपने बच्चों को हमारे गौरवशाली सिखी इतिहास के बारे में जरूर बताएं और साथ में इस स्थान की गरिमा बनाए रखें। फतेह, जिसका अर्थ है जीत, सन 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की खालसा फौज ने सरहिंद के वजीर खान की मुगल फौज को हराकर अर्जित की। ये बुर्ज उसी जीत की उपलक्ष में सन 2011 में बनाया गया था। इस बुर्ज की कुल ऊंचाई है 100 मीटर और ये भारत में बनी सभी मीनारों में सबसे ऊंचा है। ये 8 पिलर स्ट्रक्चर पर खड़ा है। इसमें कुल 3 मंजिलें हैं और सबसे ऊपर खंडा साहिब स्थापित है। पहली मंजिल दर्शाती है समाना में मिली जीत को, दूसरी मंजिल दर्शाती है सदूरा में मिली जीत को, तीसरी मंजिल दर्शाती है सरहंद में मिली जीत को, जिसको बारो छप्परछिड़ी का नाम भी दिया गया। फतेहपुर की बैक साइड में है ओपन एयर थिएटर। अभी हम ओपन एयर थिएटर की तरफ जा रहे हैं। ओपन एयर थिएटर में 1000 लोग एक साथ बैठकर इस थिएटर में रंगमंच का मजा ले सकते हैं। अभी ये थिएटर ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता। आप बाहर निकलते समय फतेह बुर्ज को देख सकते हैं। फतेह बुर्ज के आसपास आपको मिलेंगे हरे भरे पार्क और चहचहाते हुए पंछी, जो कि आपका मन मोह लेते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में राजौरी पुंछ में हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। 15 साल की उम्र में उन्होंने वैराग्य जीवन धारण कर लिया। उसके बाद वो माधव दास के नाम से जाने लगे।
उन्होंने पूरे उत्तर भारत का भ्रमण किया और बाद में वो गोदावरी नदी के पास आकर अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। सन 1708 में उनकी मुलाकात इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुई। नंदेड़ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास को अमृत पान करवा बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया और आदेश दिया कि पंजाब में जाकर मुगलों के अत्याचार के खिलाफ सिखों की अगुवाई करें। बहुत जल्द समाना, शाहवाद और सधोरा जल्द ही बाबा बंदा सिंह बहादुर के कब्जे में आ गए। बार ओप छपरशिली जो 12 मई 1710 ईस्वी में हुई थी, इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगुवाई में लड़ रही खालसा फौज ने मुगलों के खिलाफ जीत हासिल की और वजीर खान सुचानंद को मौत के घाट उतारकर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला ली। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान योद्धा होने के साथ एक अच्छे शासक भी रहे। उन्होंने पहले खालसा राज्य की नींव रखी। उन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर किसानों को उनकी जमीन का हक दिलाया। सन 1713 में फरूख सियार ने दिल्ली की गद्दी संभाली और कश्मीर के सूबेदार समद खान को बाबा बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा। सन 1713 में समद खान ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को सरहंद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर की फ़ौज और मुगल फ़ौज में लुकाछुपी का दौर जारी रहा। सन 1715 में समद खान ने बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनकी फ़ौज को उदास नंगल के एक छोटे से किले तक धकेलने में सफल रहा। इस किले की मुगल फ़ौज ने ज़बरदस्त घेराबंदी कर रखी थी। इस किले में 8 महीनों तक बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनकी फ़ौज ने मुगल सेना का डटकर सामना किया। आखिरकार 1715 में समद खान को किला बेधने में सफलता मिली। फरवरी 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को दिल्ली ले जाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कई यातनाएं दी गई, पर ना बाबा बंदा सिंह टूटे ना उनका कोई साथी। 9 जून 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथी अपनी कौम के लिए शहीद हो गए। ये थी कहानी एक ऐसे महान योद्धा की जिसने सीमित साधन होते हुए भी अपने यशस्वी बल से मुगलों को पंजाब से खदेड़ दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ किए हुए वादे को पूरा करना ही अपने जीवन का कर्तव्य और एकमात्र धर्म समझा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वॉर मेमोरियल में आएं और अपने बच्चों को हमारे गौरवशाली सिखी इतिहास के बारे में बताएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने धर्म के साथ और अपनी जड़ों के साथ मजबूती से जुड़ सकें।